हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे नो सॉकिंग नो फर्मेंटेशन इंस्टेंट क्रिस्पी डोसा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट डोसा। डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम जार लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप सूजी, आधा कप हम दही डाल देंगे, एक चम्मच गेहूं का आटा डाल देंगे और बस अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अगर आपका बैटर गाढ़ा हो तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार और उसको मिला देंगे। अब हम इसको ढक देंगे और ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेंगे। और ये देखिए बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम इसको 2 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। और ये देखिए अब हमारा बैटर एकदम तैयार है डोसे बनाने के लिए। अब हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। गैस पर हम पैन रख देंगे, ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब हम पानी स्प्रिंकल कर देंगे और इसको साफ कर लेंगे पानी को। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और बैटर डालेंगे। अब हम इसको धीरे धीरे फैला देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको सिकने देंगे। अब हम इसमें ऑयल लगा देंगे अब हम इसको 2 मिनट सिकने देंगे। और ये देखिए ये नीचे से अच्छे से क्रिस्पी होने लगा है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारा डोसा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह एक और बना लेंगे। पानी को स्प्रिंकल कर देंगे। बैटर डालेंगे और धीरे धीरे इसको फैला देंगे। चारों तरफ ऑयल लगा देंगे। और ये देखिए हमारा ये डोसा भी एक साइड से अच्छे से क्रिस्प हो गया है। और ये देखिए हमारा दूसरा डोसा भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारे इंस्टेंट क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।